और इधर दिल्ली के इस्लामी मरकज में तबलीग में शामिल होने वाले लोगों की हर शहर में खोजबीन शुरू हो गई है। वहीं बोकारो, धनबाद और चाईबासा सहित कई जगहों पर पुलिस इनकी खोज में लगी हुई है। लगातार इस छापेमारी से हर जिला में हड़कंप है। उन लोगों को खोज रही है जो मरकज में शामिल होकर लौटे हैं। दिल्ली में हुए तबलीगी मरकज में कई लोगों में कोरोना की पुष्टि होने पर सतर्कता बरती जा रही है। राज्य मुख्यालय के आदेश के बाद ऐसे लोगों की पहचान के लिए पुलिस सक्रिय हुई है। धनबाद पुलिस ने तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं और समाज सेवियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों की पहचान में पुलिस को सहयोग करे। सूचना देने वालों के नाम और पता गोपनीय रहेंगे। बोकारो के एक मदरसे में जिन 3 लोगों के नमूने लिए गए हैं, उन्हें समेत 14 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। ये 40 दिन के लिए बोकारो दौरे पर आए थे, तभी लॉकडाउन हो गया। सीखने के लिए आप सीखेंगे या सिखाएंगे? हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, किससे सीखेंगे? सबसे यहाँ से माहौल से सीखेंगे, जो हमारे बड़े जानने वाले हैं बताएंगे हमको। आप कैसे यहाँ पर आए, कौन आपको भेजा सीखने के लिए? हमारे हल्के के जिम्मेदार होते हैं। कौन है आपके हल्के के जिम्मेदार? क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं, नमाज कैसे पढ़नी है, आपको रहना कैसे है, रोजा रखना है। कितने में जो है उसकी भी जांच चल रही है। जहां तक प्रारंभिक जांच है उसमें ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग दिल्ली से आकर उसमें रुके हुए हैं तथा वो फरवरी में आए हैं, जैसा अभी तक प्रारंभिक जांच में पाया गया है, तो उस पर हम लोग अभी एक्शन ले रहे हैं। चाईबासा में भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मदरसे और मस्जिदों की जांच कर रही है। साथ ही वहां रह रहे लोगों को खुद को क्वारंटाइन करने को कहा गया है। खबर ये भी है कि यहां से 10 विदेशी समेत 2 भारतीयों को जांच के लिए पुलिस क्वारंटाइन सेंटर ले गई है। ये लोग पाए क्या, इनमें कोरोना से संबंधित कोई संक्रमण वगैरह पाया गया है? नहीं, इसमें जांच के क्रम में कोई इस तरह का कोई कुछ पाया नहीं गया है। सर, प्रशासन ने अभी तक क्या औपचारिकताएं पूरी की है? औपचारिकता पूरा के लिए इन लोगों का स्वास्थ्य का जांच कर लिया गया है। अब इसको जो क्वारंटाइन केंद्र जो बनाया गया है वेलफेयर केंद्र में, वहां इन लोगों का शिफ्ट कर दिया जाएगा। नई दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के बाद लगातार हो रही कोरोना पीड़ितों और मृतकों की सूचना ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए झारखंड के 36 लोगों की सूची भी झारखंड पुलिस को मिली है, जिनकी खोज जारी है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अभिषेक, चाईबासा से जय के साथ बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट।